रिकॉर्डिंग की अच्छा है, उसमें जो है 6 मिनट के लिए, बाकी वो ऐसी चलती जा रही है। अच्छा, तो आप खत्म करने के बाद स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप, ठीक है। अच्छा, हम इधर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है सम इफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम इफ। हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले इधर क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। आप इधर आ जाइए, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद ये रहा आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा। ये बेसिकली सम इफ का काम क्या होता है, सम इफ करता क्या है, आपके पास बहुत सारे रिसीवर्स हैं। लेट सपोज असलम से भी लेना है, अमजद से भी लेना है, और बहुत सारे लोग हैं उनसे आपने पैसे लेने हैं। डिफरेंट डिफरेंट वक्त में हर किसी की इन्वाइसिस बनते गई और वो कलेक्ट होती गई। अब असलम से टोटल कितना लेना है, अमजद से टोटल कितना लेना है, तो बहुत सारी इन्वाइसिस है, तो उसका वो मैं अमजद लिखूँ और उसका टोटल आ जाए, समझ गए? तो डैट इज़ कॉल्ड सम इफ। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से सेंट्रलाइज कर देता हूँ और यहाँ से अच्छा सा कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें लिखनी है, कस्टमर का नाम लिखना है और यहाँ इसका बैलेंस। अब लेट सपोज यहाँ पे उसकी इनवाइस बनी, इनवाइस नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये I01, अब अमजद, अमजद एक हमारा कस्टमर है, उसका बना 5,56,000। ठीक है, फिर IN2, फिर यहाँ पे बना सलीम का, वालेकुम सलाम, आ जाए सलीम का बना हमारे पास 60,000। उसके बाद IN3। अच्छा, नाम तीन लूँगा और उसको रिपीट करते जाऊँगा मैं, ठीक है। फिर एक ले लिया मैंने साजिद, और इसको मैंने दे दिया 14,000, इसका बैलेंस है 14,000। ये जो हमने समीर उस दिन किया था ना, इसको रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आपने सिर्फ नंबर चेंज कर लेना है, इसको कर लेना है 4, इसको कर लेना है 5, क्योंकि इनवॉइस तो बनते जाती है ना, बनते जाती है, पूरे महीने कितनी इन्वाइसिस बन जाती है यहाँ से। अब इसको भी आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 20,000 इसको कर लें, इसको चेंज कर लें, इसको भी थोड़ा चेंज कर लें, 14,500 कर लें। फिर इसको आपने यहाँ से दोबारा कॉपी किया, कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर हम चेंज करना ज़रूरी है ताकि अलग अलग हो, क्योंकि इनवाइस अलग अलग बनती है ना, ज़रूरी नहीं लेकिन अलग अलग। नंबर और जो अमाउंट है वो चेंज कर, हाँ चेंज कर लिया करें। इनवाइस 1, इनवाइस 8, इनवाइस नंबर 9, इनवाइस नंबर 10, फिर आगे इनवाइस नंबर 11, और ये हो गया 12। समझ आ गई बात। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा चेंज कर दें इसको, इसको 2000 कर दें, इसको 6,000 कर दें, इसको 8 लाख कर दें, ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा सब में चेंज करना है। ये हमारी, अब यहाँ पे हमें एक बनाना है बटन, आप भी देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बनाएंगे हम बटन। बटन बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, यहाँ से कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छा से ऐसे कलर दे देना है, और यहाँ से जाना है ऑल बॉर्डर, ठीक बॉर्डर ले लीजिए, और यहाँ से हमने इसी की कॉपी कर लें तो फॉर्मेट पेंटर में जाके इधर आ जाएंगे, तो फॉर्मेट पेंटर में इधर आ जाएंगे हम। आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बटन हमने बनाया है, अब हमने यहाँ कस्टमर लेना है, यहाँ पर हमने लेना है कस्टमर। डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इस कस्टमर से ये बैलेंस खड़ा हुआ है, टोटल बैलेंस, तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल बैलेंस, इस कस्टमर से ये टोटल बैलेंस खड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने सम इफ का फार्मूला लगाना है। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ, इसको भी 14 कर देता हूँ, और चाहूँ तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ इसको, और आप चाहें तो इसको आप ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर। अब थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर मैंने कस्टमर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ही कस्टमर थे, आपके पास जितने कस्टमर है उसकी अलग से लिस्ट बना लीजिएगा और उसी को ड्रैग करके यहाँ पे ले आइएगा। कैसे लाएंगे भाई, एक बटन बनाने के लिए डेटा में जाएंगे, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, इसकी वीडियो बन रही है मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, और यहाँ पर आएंगे, और ये रहा अमजद सलीम साजिद, इस वक्त 3 ही थे। कभी ऐसा होता है हमारे पास 100 कस्टमर होते हैं, तो 100 की पहले हम लिस्टिंग कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, ये तीनों आ गए इधर आ गए,
अमजद आ गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से हमने, बल्कि यहाँ पे क्लिक करें, होम पे जाएं, इधर से खाली नाम ले लें बस बस, फॉर्मेट पेंटर पे जाके आप देखो बड़ा तो कर दिया लेकिन वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा था। अब सलीम, ये सलीम आ गया, साजिद आ गया, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आ रहा है, आ रहा है। ये बटन बन गया आपका, बटन कैसे बना मैं आपको बता दें। अब यहाँ पर जितनी भी इनवाइस बनी है, अमजद का टोटल बैलेंस कितना खड़ा हुआ है, बैलेंस कितना रिसीवेबल है, ये वो बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ों से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक वी लुकअप से और एक सम लुकअप से, ये सॉफ्टवेयर पूरा बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा, एक तरफ सारी इनवाइसिस की पेज चल रही होगी और एक तरफ सारी पेमेंट की पेज चल रही होगी, दो चीज़ों से काम हो रहा होता है, एक इनवाइसिस की पेज चल रही होगी और एक तरफ पेमेंट की पेज चल रही होगी, और एक चलेगी बैलेंस की, एक क्या चलेगी, बैलेंस की चलेगी। आ रही बात समझ में, वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। अब आपको किसी आपके बॉस ने पूछा भाई बता इसका बैलेंस कितना है, तो आपने समिप लगाना है, क्या लगाना है, समिप, तो बता देगा भाई इस बंदे का बैलेंस इतना है, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से माइनस कर रहा होगा, कहाँ से, जो पेमेंट आ रही होगी ना उससे माइनस कर रहा होगा पहले। लेकिन ये छोटा प्रोजेक्ट कर लें, वी लुकअप मैंने उस दिन करवाया था, आज समिप करवा रहा हूँ, ये छोटे प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो फिर मैं आपको बड़े प्रोजेक्ट पे लाऊंगा। अच्छा, टोटल बैलेंस, अब यहाँ से हमें समिप लगाना है, इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ ब्रैकेट और रेंज, ये क्या बोल रहा है, रेंज। तो रेंज में आप पूरा नहीं लें, ये दोनों ले लें बस, ये इसको लेने की जरूरत नहीं है, कॉमा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया, क्या कह रहा है ये, क्राइटेरिया, तो अमजद मुझे चाहिए, क्या चाहिए, अमजद। अब सम रेंज में ये वाली पट्टी लिया करें, क्योंकि ये हमें इसको टोटल करना है इस वैल्यू को, और जैकेट बंद कर दिया तो पता चला अमजद का बैलेंस कितना है। पहले इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, इसी के बराबर करना, तो फॉर्मेट पेंटर पे जाए, ये पता चला अमजद का बैलेंस कितना है भाई, 224,000, गिन लेते हैं, 56,000 और 56,000 कितने हो गए बेटा, फिर 56,000, वालेकुम सर, कैसे हैं वो लड़की आई थी और एक और लड़का आया था, वो नहीं आया, नया लड़का नहीं आया, अच्छा मैं क्या कह रहा था आपसे, 56,000, आप जरा कैलकुलेट करें, 56,000 और 56,000 ये कितने हो गए बेटा बताओ, 56,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना जरा, 56,000 को 4 से करो, 1,00,000 कहाँ से आएगा, सही है कि नहीं है, चेक कर लें, ये सही आ रहा है कि नहीं, 4 बार 56 है ना, हाँ सही आ रहा है ना। अब आते हैं, मैं इसका बैलेंस लाता हूँ सलीम का, तो ये सलीम का आ गया, सलीम का भी देख लो, हो सकता है कभी कंप्यूटर गलती भी कर सकता है, चेक करके देख लेना, साजिद का भी देख लेना। तो ये एक मैंने बटन सिस्टम बना दिया, आप चाहें तो यहाँ पर ना इसको कलर भी दे सकते हैं, अच्छा सा कलर दे दिया, यहाँ से आपने क्या किया बेटा, आपने ये ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ से आपने कलर भी दे दिया, ठीक है बेटा। ये मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, मैं यहाँ से